सभी किसान भाइयों को राम राम। आपके अपने किसान ज्ञान चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मेले में आए हुए हैं और अभी हम जो स्टॉल पे खड़े हैं, ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं व जौ की स्टॉल लगाई हुई है। यहाँ डॉक्टर ओपी बिश्नोई है, उनसे हम बात करेंगे कि जौ की नई जो वेरायटी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने लॉन्च की है, उसकी कैसी वेरायटी है, उसकी क्या खासियत है, किन परिस्थितियों में बीज सकते हैं, ये बातें हम डॉक्टर ओपी बिश्नोई से भी पूछेंगे। और किसान भाइयों, पिछली साल जो है जौ का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए किसानों का जौ की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। तो हम किन परिस्थितियों में बीज सकते हैं, ये कैसी वेराइटियाँ हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों हम डॉक्टर ओपी बिश्नोई, जो कृषि गेहूँ व जौ अनुसंधान केंद्र में कार्यरत है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में, उनसे अभी हम बात करते हैं और इसकी सभी जानकारी हम लेते हैं। में हमारे साथ जो है जौ की किस्में भी हैं, 393 नंबर जौ की किस्म ज़्यादातर हम बोते रहे हैं। पहले बहुत अच्छी पैदावार देती थी, 60-65 मन के आसपास, लेकिन इसमें थोड़ा सा पत्ते के ऊपर कंगारी काला पत्ता हो जाता है, वो बीमारी आने लगी, तो उसका तो बीज उपचार करके बो सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने एक नई किस्म निकाली हुई है, BH 946 नंबर। ये किस्म बहुत अच्छी किस्म है, इसकी थोड़ी बढ़ती है, गिरती भी कम है, पैदावार भी अच्छी देगी। तो जो 393 बोते थे, उन किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हमारी नवीनतम किस्म जो है BH 940 का बिजाई करें। और इसके बाद हमारे पास एक किस्म है BH 885, ये टू रोड, ये 6 लाइनों वाली है, ये 2 लाइनों वाली है, टू रोड बोलते हैं। तो टू रोड किस काम की आती है, ये माल्ट वाली किस्म है। माल्ट का कहाँ प्रयोग होता है, बीवरेजेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा होता है, कि इसके अंदर से बियर बनती है और इसका भाव भी ज़्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी सरकार इसकी पैदावार करवाती है कई कंपनियाँ। तो ये सारा गेहूं से संबंधित आपको किस्मों से संबंधित बता दिया। किसान भाइयों, जो जो की वैरायटी अभी डॉक्टर साहब ने बताई है, ये वैरायटियां बहुत अच्छी है और इनका बीज भी अगर आपको लेना है तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में गेट नंबर 3 पर जहाँ मेला लगा हुआ है अभी फिलहाल मिल रहा है। 35 किलो का कट्टा 700 रुपये का, 20 रुपये किलो जो की वैरायटियों का बीज मिल रहा है। किसी किसान भाइयों को लेना हो तो यहाँ से आप बीज ले सकते हो। और किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। राम राम, जय हिंद।